स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कांग्रेस विधायक राजकुमार भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में हुए कार्यक्रम के दौरान राजकुमार ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। राजकुमार उत्तरकाशी की पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस के 11 विधायक चुनकर विधानसभा आए थे, उनमें से इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद 10 विधायक रह गए। मगर अब एक और विधायक के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर नजर आने लगी है। पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार भाजपा में शामिल हो गए हैं। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। आज दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। राजकुमार जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और पिछले दो बार से दो टर्म में विधायक इस रूप में प्रदेश की सेवा आपने की है। अनुसूचित जाति में आपका बहुत बड़ा प्रभाव है और केवल प्रभाव ही नहीं है, अभी तो मुझे मालूम है कि जब विधानसभा में अनुसूचित जाति को लेकर कोई विषय आता था और एक बार ऐसी परिस्थिति बनी कि सरकार ने दो तीन निर्णय अच्छे लिए, आप विपक्ष में होते हुए जहां विपक्ष का धर्म आलोचना के साथ शुरू होता है, वही राजकुमार जी ने खड़े होकर और वहीं कहा कि पार्टी की लाइन देश के अनुसूचित वर्ग को प्रभावित करे तो ऐसी पार्टी की लाइन से अलग हटके भी मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा, और आपने वहीं विधानसभा में खड़े होकर और जो सरकार को धन्यवाद ही नहीं दिया अपितु तो अनुसूचित जाति के लिए जो अच्छे काम हुए उनकी सराहना आपने इस रूप में की। मित्रों, आज जो मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने जा रहा हूँ, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को एक विश्व स्तर पर खड़ा किया है, भारत को आज भारत से कोई आंख दिखाने की बात सोच भी नहीं सकता है, मित्रता की बात करने लग गए हैं, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहा हूँ। देखा है शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, वंचितों के बीच में, गरीब लोगों के लिए आप हमेशा संघर्षशील रहे हैं। विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर लगातार आप काम करते रहे हैं और निश्चित रूप से आपके भाजपा में शामिल होने से आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर वातावरण हो रहा है। जैसा अनिल भाई ने बताया कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम सिंह पवार जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आज राजकुमार जी हुए हैं, सारा का सारा ये मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वह भी है और उत्तराखंड के अंदर जो एक नया वातावरण निर्मित हो रहा है और राजकुमार जी के आने से निश्चित रूप से और जो हमारा ऐसा समाज जो अभी वंचित है, छूटा हुआ है, उसमें हमें काम करने में और आसानी होगी। उधर भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 19 मेडल जीते हैं, इनमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ये किसी भी पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। टीम के वापस लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की है और इस दौरान उत्तराखंड के रुद्रपुर के रहने वाले मनोज सरकार भी इसमें शामिल थे। मनोज सरकार के साथ भी पीएम मोदी ने बातचीत की और इस दौरान मनोज सरकार ने प्रधानमंत्री के साथ अपने जीवन के संघर्ष और पैरा ओलंपिक के सफर की कहानी साझा की। मैक्सिमम कितने बार सर ऑफ सीजन में कम से कम 100 मनोज नमस्कार सर, मुझे गर्व है कि सर मैं देवभूमि उत्तराखंड का हूँ और सर वहाँ से निकल के और उत्तराखंड का पहला मेडल लाना सर मेरे लिए गर्व की बात है और जब आपने मुझे अनाउंसमेंट से पहले ही कह दिया कि आप देवभूमि उत्तराखंड से, तो सर मेरे अपने आप रोंगटे खड़े हो गए थे कि सर पूरा वर्ल्ड आपको सुन रहा है और वहाँ पे उत्तराखंड का नाम आ रहा, तो ये मेरे लिए सर गर्व का क्षण था। प्रदूषण को रोकने और पेट्रोल पर निर्भरता को कम करने में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला किया। पहले 5,000 दोपहिया वाहनों के लिए कीमत थी 10% या 7,500 रुपए तक सब्सिडी के रूप में अब दिया जाएगा। फोर व्हीलर पहले 1,000 वाहनों के लिए वाहन की कीमत का 5% या फिर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इस तरह से सरकार ने फैसला लिया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 50,000 तक सब्सिडी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अब बात देहरादून की, जहां सीएम आवास स्थित जनता मिलन हॉल में शनिवार को पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने उन्हें पौधा भेंट करने के साथ शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। बेबी रानी मौर्य ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। राजभवन में यह फेयरवेल हुआ बेबी रानी मौर्य का विदाई समारोह, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं यहां पर कामकाज जिन लोगों के साथ किया और उत्तराखंड को कभी नहीं भूल सकती। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह से मुलाकात की। मीका सिंह के साथ सीएम की मुलाकात आवास पर हुई। इस दौरान सीएम ने मीका सिंह को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते और इसीलिए आपको उन लोगों से सीख लेनी चाहिए जो अपनी सेहत के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करते। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी योग का अभ्यास करते हैं। मुख्यमंत्री का योग करते हुए एक वीडियो भी है जिसमें सीएम योग अभ्यास कर रहे हैं। इस पर सीएम ने लिखा कि योग अभ्यास शरीर मन विचार कर्म आत्मसंयम और पूर्णता की एकात्मकता और मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह स्वास्थ्य और कल्याण का सहज संबंध बनाने वाला दृष्टिकोण है। हमें योग को अपनी जीवन पद्धति में शामिल करना चाहिए, आज के समय में ये जरूरी है। पुष्कर सिंह धामी का सूर्य नमस्कार करते हुए ये वीडियो सामने आया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको एक खास तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर उन लोगों को संदेश देती है जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते या फिर अपने बूढ़े माता पिता से भी कतराने लगते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें सीएम धामी एक बुजुर्ग के पैर छूते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर सीएम धामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान और धरोहर हैं, जिन्हें सहेजने की जरूरत है। अगर हम परिवार में स्थायी सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करना जरूरी है। पिथौरागढ़ में भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद हो गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें, बीसा बजेड़ में भूस्खलन से रोड बंद है। सड़क पर मलबा आने से कई गाड़ियां फंस गई हैं, जिस वजह से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है पहाड़ों पर। सड़क पर मलबा आने से गाड़ियां फंस गई हैं। बीसा बजेड़ में भी रोड बंद है। रोड बंद होने से रास्ते में ही यात्री फंस गए हैं, गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। पिथौरागढ़ में बीसा बजेड़ में लैंडस्लाइड के कारण रोड बंद हो गई है। सड़क पर मलबा आने के कारण गाड़ियां फंस गई हैं। रोड बंद होने से रास्ते में ही गाड़ियां फंसी हुई हैं। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये मलबा पड़ा हुआ है रोड पर। धीरे धीरे ये काम किया जा रहा है, लेकिन तब तक लोग भी फंसे हैं और गाड़ियों की भी लाइन लगी है। हमारे सहयोगी योगेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, इस वक्त का ताजा हाल क्या है, अपडेट क्या है आपके पास? रास्ता अब भी बंद है या फिर उसे खोल दिया गया है?
आस्था में बताना चाहूंगा, सुगरे थल पिथौरागढ़ जो मुख्य मोटर मार्ग है जो मुंशारी को जोड़ता है, ये विशमगढ़ के पास पे भूस्खलन होने की वजह से यहाँ पे भारी मलबा आने से रास्ता बंद हो गया था। दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही रुक गई थी। फिर हम सूचना पे पीडब्ल्यूडी वहाँ पे पहुंची है और छोटे वाहनों के लिए तो मलबा हटा के रास्ता खुला जा चुका है, परंतु अभी बड़े वाहनों के लिए रास्ता खोलने के लिए वहाँ पे पीडब्ल्यूडी जुटा हुआ है। बिल्कुल, तो बीसाबजड़ में भूस्खलन से रोड अब भी बंद है, मलबा हटाने का काम जारी है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका योगेश। हरिद्वार जिले में पश्चिमी यूपी के बदमाशों और उनके गैंग पर नकेल कसना पुलिस के लिए मुसीबत बना हुआ है। दरअसल पश्चिमी यूपी के बदमाश उत्तर प्रदेश में घटनाओं को अंजाम देकर हरिद्वार जिले में आसानी से दाखिल होकर अपनी पहचान छुपाकर रहने लगते हैं, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द है। लेकिन इसके लिए अभी नई योजना बनाई जा रही है और एसएसपी का कहना है कि बदमाशों को रोकना पुलिस के लिए चुनौती है। हरिद्वार देहात का जो इलाका है ये उत्तर प्रदेश के तीन जनपदों से मिलता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से, और इनमें अपराधियों का आना जाना भी निश्चित रूप से कई बार होता है। अपराध करके भी आदमी इस तरफ से दूसरी तरफ या दूसरी तरफ से इस तरफ आता है। तो जो हमारे मुख्य मुख्य पॉइंट है, जो हमारे स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, वहाँ पर हम लोग लगातार इसकी चेकिंग करते हैं पहले से भी, और आगे भी ये चेकिंग जारी रहेगी, रैंडम चेकिंग भी इसमें जारी रहेगी। और दूसरा मेरा ध्यान इस बात पे होगा कि हम लोग सरप्राइज चेकिंग करेंगे। रुड़की के आसपास के इलाके में मलेरिया और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। बीते दिनों पिरान कलियर क्षेत्र में मलेरिया से मां बेटे की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इस परिवार के दो सदस्य अभी तक निजी अस्पताल में हैं। सीएमओ के निर्देश के बाद गांव में जिला मलेरिया अधिकारी ने निरीक्षण कर ग्रामीणों के सैंपल लेने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में फॉगिंग कराई जा रही है। मलेरिया का अभी रुड़की साइड का एक केस का डेथ हुआ है, जो फैल्सीपेरम का था, और दूसरे का अभी कंफर्म नहीं हुआ है। चार ऐसे हमने कल टीम भेजा था, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अफसर हैं वो पूरी टीम के साथ गए, तो उन्होंने सर्वे करना शुरू कर दिया है। बाकी जगह भी हमने सभी को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। उत्तराखंड में अब त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। पहाड़ पर नंदा सुनंदा महोत्सव की अलग ही धूम मची है, जिसमें लोगों की काफी आस्था है। नैनीताल और रानीखेत में मां नंदा सुनंदा महोत्सव की शुरुआत हो गई है और इस पर्व पर केले के पेड़ की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद केले के वृक्ष को शोभा यात्रा के साथ नंदा देवी मंदिर में लाया गया। उत्सव में केले के पेड़ का विशेष महत्व होता है और इसी से ही मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाई जाती हैं। 14 सितंबर को मूर्तियों की स्थापना होगी और 17 तारीख को शोभा यात्रा के साथ उत्सव का समापन होगा। नैनीताल में मां नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इस मौके पर मां नंदा देवी मंदिर की रंग बिरंगी लाइटें जो हैं वो आकर्षण का केंद्र हैं। शनिवार को मूर्ति बनाने में इस्तेमाल होने वाले केले के पेड़ के लिए टीम को विदा किया गया। नैना देवी मंदिर को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। उत्तराखंड में नंदा सुनंदा महोत्सव की धूम मची हुई है। मंदिर की ये छटा जो भी देख रहा है, हर कोई इसको कैमरे में कैप्चर करना चाह रहा है। पानी में पड़ता हुआ रिफ्लेक्शन, खूबसूरत तस्वीर निकल के सामने आ रही है, एक दिव्य अनुभव करवा रही है लोगों को। मंदिरों की ये सजावट और ऊपर से नंदा सुनंदा महोत्सव, एक अलग ही श्रद्धा के भाव से लोग भर उठे हैं। उत्तर काशी के भटवाड़ी में सेलकू मेले की शुरुआत हुई है। ऊंचे बुग्यालों से लाए गए ब्रह्म कमल समेत दूसरी प्रजाति के फल और फूलों को आराध्य देवता समेश्वर को अर्पित किया जाता है। ग्रामीणों में इस मेले को लेकर काफी उत्साह रहता है। पहाड़ के पारंपरिक नृत्य पर झूम रहे ग्रामीणों की ये तस्वीरें उत्तर काशी की हैं, जहां सेलकू मेले के दौरान ग्रामीण कुछ इस तरह से झूमते नजर आए।
ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण भी सोमेश्वर देवता की आराधना कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में घास के हरे मैदानों यानी बुग्यालों में उगने वाले फूल बारिश खत्म होने के बाद सूखने लगते हैं। उनके सूखने से पहले ही ग्रामीण उन्हें देवताओं के चरणों में समर्पित करते हैं। ऊंचे बुग्यालों से लाए गए ब्रह्मकल समेत दूसरे फूलों को सोमेश्वर देवता को चढ़ाया जाता है। क्षेत्र के इष्ट देवता सोमेश्वर की पूजा पारंपरिक तरीके से की जाती है। इस पर्व में शामिल होने के लिए सभी शादीशुदा बेटियां मायके आती हैं और इष्ट देवता को चढ़ावा चढ़ाती हैं। सेलकू मेले में ग्रामीण पारंपरिक रासो तांदी का आयोजन करते हैं। इस दौरान इलाके के लोगों के लिए आराध्य देवता सोमेश्वर से सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर विष्ट की रिपोर्ट। उधर यमुना घाटी के सुनारा गांव में 3 साल बाद मां भगवती की देव डोली पहुंची तो ग्रामीण खुशी से फूले नहीं समाये। इस दौरान ग्रामीणों ने मां भगवती का आशीर्वाद लिया। पारंपरिक तरीके से मां की आराधना की गई। सुनारा गांव को मां भगवती का मायका कहा जाता है और मान्यता के मुताबिक मुराद पूरी होने पर देवी को सोने से लेकर चांदी, छत्र, घंटी, चांदी के सिक्के चढ़ाए जाते हैं। मां भद्रकाली नौगांव पुरोला विकास खंड के 12 गांव की इष्ट देवी। उधर जोशी मठ में मेले की धूम है। लोग सोना शिखर के लिए रवाना हो गए हैं। जो सोना शिखर जाकर मां नंदा की बहन को मायका बुलाने जाते हैं। सोना शिखर समुद्र तल से 21,000 फीट पर स्थित है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है। इस बार उत्तराखंड में भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए नारा दिया है, अब की बार 60 के पार। दुष्यंत गौतम ने यह भी कहा कि चुनाव में वर्तमान के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की भी अहम भूमिका होगी। अल्मोड़ा में लोक अदालत लगाई गई। इस दौरान अपनी समस्या लेकर पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना गया और मौके पर ही उनका समाधान किया गया। लोक अदालत में लोगों के 243 मामलों का समाधान किया गया। तो माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद अल्मोड़ा में जिला जज अल्मोड़ा और वाह न्यायालय रानीखेत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें दोनों तरह के केसों का निस्तारण किया जाता है। एक वो जिसमें अभी मामला न्यायालय में लंबित नहीं, जिसको प्रीलिटिगेशन कहते हैं, और दूसरा जो न्यायालय में लंबित है। प्रीलिटिगेशन के मामले के लिए बैंक को नोटिस जारी किया गया था, सारे बैंक के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित हैं और उनके द्वारा अधिक से अधिक मामले के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा का काम जिस एजेंसी को दिया है उस पर बेरोजगार संगठन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बेरोजगार युवाओं का यह आरोप है कि ऑनलाइन परीक्षा करवाने वाली एजेंसी यूपी और एमपी में विवादों के चलते ब्लैकलिस्ट है और राज्य में भी इस एजेंसी की सेवा लेने पर सवाल उठ रहे हैं। चयन आयोग ने NSEIT नाम की एक एजेंसी हायर की है जो कि आयोग की तरफ से निकाली गई सरकारी नौकरियों के पदों में ऑनलाइन पेपर तैयार करने को लेकर रिजल्ट तक का काम करती है। मामले में जब विभाग के सचिव संतोष बड़ोनी से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले को खारिज कर दिया। देखिए, मामला ये है कि जो NSEIT है, जो अभी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए उत्तराखंड ने एजेंसी हायर की है, वो देखिए हमारे जो आयोग, हमने उनको सूचित किया कि ब्लैक लिस्टेड है, परंतु वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आयोग ये भी कह रहा है कि हमने उनसे लिखित में मांग लिया है। लिखित में मांगने से क्या हो जाएगा? आप उन पर एक जांच तो बिठाइए पहले, जांच में निकलेगा या ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है। आप
प्रमाण इकट्ठे करिए, मध्य प्रदेश से आप प्रमाण मंगाइए, यूपी से आप प्रमाण मंगाइए, क्या वो जिम्मेदारी भी छात्रों को देंगे? हमने मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस संस्था के बारे में बात हो रही है वो काफ़ी रेपुटेड संस्था है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईटी कंपनी है, भारत की जो बहुत बड़ी संस्था है, भारत सरकार से संबंधित संस्था है। और दूसरी बात यह है कि जो बोल रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड है, तो आज तक भी कहीं ब्लैक लिस्टेड नहीं है, जिसकी हमने पुष्टि संस्था से करा ली है। और जिन्होंने ये मामला उठाया और जिस मीडिया ने ये चलाया है, उन सबको हमने नोटिस भेजा है कि वो हमको रिकॉर्ड दें कि किस आदेश से NSCIT जो कंपनी जिसका नाम लिया जा रहा है वो ब्लैक लिस्टेड है। हरिद्वार में एक युवती ने युवक की पिटाई कर दी और पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि कुछ लड़के एक युवक को पकड़े हुए हैं और एक युवती उस लड़के को पीट रही है। बताया ये भी जा रहा है कि युवक ने युवती के मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजा था, जिसको लेकर युवती गुस्से में थी और युवक को पीट रहे थे। IIT रुड़की का 21वां वार्षिक दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में 1804 छात्रों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट की उपाधियां दी गईं। इस मौके पर IIT निदेशक ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी। हालांकि इस बार कोरोना को देखते हुए वर्चुअली ही ये समारोह आयोजित हुआ। कोटद्वार में आए दिन ट्रैफिक जाम लगा रहता है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया, मगर अभी इसका ट्रायल शुरू हुआ है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि नए ट्रैफिक प्लान को लागू होने से शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी।